नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूं रोहित। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है, यानी कि आज से मात्र 24 दिन बचे हैं। प्रत्याशी नामांकन का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस पार्टी ने देर रात चौथी और पांचवी लिस्ट जारी कर दी। अगर हम मकराना विधानसभा की बात करें तो मकराना विधानसभा में पिछले 3 बार के प्रत्याशी को यानी जाकिर हुसैन गहसावत को इस बार कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। अगर हम जाकिर हुसैन गहसावत की बात करें तो जाकिर हुसैन गहसावत 18 और 13 में उनको हार झेलनी पड़ी थी। अगर हम 2023 की बात करें तो उनके सामने जिन्होंने 2013 में जाकिर हुसैन को हराया था, यानी कि श्रीराम बीचर, उनकी पुत्रवधु जाकिर हुसैन गहसावत के सामने होगी 2023 में। आखिर जाकिर हुसैन गहसावत को फिर से टिकट क्यों मिला? कहा जा रहा था कि जो 2 बार हार चुके हैं तो उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कई प्रत्याशियों को इस बार टिकट मिल चुकी है। जाकिर हुसैन गहसावत 18 और 13 में उनको हार झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिल गया। कहा यह जा रहा था कि इस बार किसी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाकिर हुसैन गहसावत अशोक गहलोत के खास नेता माने जाते हैं और इस समय नागौर के अध्यक्ष भी जाकिर हुसैन गहसावत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज़।